भारतीय मुहावरों में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने दोस्त सऊदी अरब को ही नाराज कर दिया है। दशकों पुराने मित्र सऊदी अरब ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। बात यहां तक आ गई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल और कर्ज देना बंद कर दिया है। कश्मीर मसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन से समर्थन न मिलने पर पाकिस्तान का सऊदी अरब को धमकाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना साबित हो गया है। अब सऊदी अरब ने वसूली भी शुरू कर दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान को इसी महीने सऊदी अरब को $1 अरब का कर्ज लौटाना पड़ा। इस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी दोस्ती का द इंड हो गया। पाकिस्तान जिससे कर्ज लेता है, पेट्रोल डीजल लेता है, उसी को आंख दिखा रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट तब आई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुलेआम अजीज दोस्त सऊदी अरब की आलोचना कर सबको चौंका दिया था। कुरैशी ने चेतावनी दी थी कि सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तर की बैठक बुलाने में देरी ना करे। अगर सऊदी अरब देरी करता है तो वो खुद दूसरे मुस्लिम देशों के साथ अलग बैठक बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के बजाय तुर्की को नेता बनाना चाहता है। बता दें कि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है, तब से पाकिस्तान पगलिया गया है। पाकिस्तान हर जगह कश्मीर मसला उठाना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर भी काफी समय से कश्मीर मसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाने का दबाव बनाता आ रहा है। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाने को कहा था, मगर सऊदी अरब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान आग बबूला हो गया। इसके बाद अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि बैठक न बुलाने का कारण ये है कि हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, हमारे बीच विभाजन है, इसलिए हम कश्मीर मुद्दे पर OIC बैठक में एक साथ नहीं आ सकते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है, जिसमें सऊदी अरब का दबदबा है। संयुक्त राष्ट्र के बाद OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। हुक्मरानों के आक्रामक बयान से पाकिस्तान ने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और उधार में तेल देने की सुविधा खत्म कर दी है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान को सऊदी अरब का $1 अरब का कर्ज चुकाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए $1 अरब की रकम बड़ी है। इसके बावजूद कर्ज लौटाने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था। पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की माने तो पाकिस्तान को अब चीन से उम्मीद है। अखबार ने लिखा है कि अगर चीन से मदद मिल जाती है तो पाकिस्तान $2 अरब का नकद कर्ज भी सऊदी को वापस कर सकता है। बता दें कि साल 2018 में सऊदी ने पाकिस्तान को $6.2 अरब का कर्ज दिया था, ये उसी का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच तनाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी, जिसके बाद कयास और तेज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर कुरैशी के बयान पर सऊदी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने बयान पर सफाई देना चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने के बाद ये लग रहा है कि ये विवाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं सुलझने वाला है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से खराब रिश्तों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फरवरी 2019 में पाकिस्तान गए थे। इस दौरान उन्होंने $20 अरब के समझौतों के MOU पर हस्ताक्षर किए थे। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा तो सारा निवेश खतरे में पड़ जाएगा। आर्थिक मदद और पाकिस्तान में निवेश के अलावा सऊदी अरब में करीब 27 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। पिछले साल सऊदी ने पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री पर सवाल खड़े करते हुए कई पाकिस्तानी डॉक्टरों को वापस भेज दिया था, जिसके बाद बड़ा विवाद हुआ था। इसके अलावा हज के लिए भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हर साल सऊदी जाते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तानी इन सारे फैक्टरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सालाना $3 अरब कैश सपोर्ट और $3.2 अरब की तेल आपूर्ति का समझौता किया है। अगर ये समझौता रद्द हुआ तो पाकिस्तान का दम निकल जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।